अमरेंद्र कुमार पांडे अधिवक्ता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमरेंद्र कुमार पांडे अधिवक्ता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक प्रस्ताव पारित किया है जो हमारे अधिवक्ता की मृत्यु हुई है, तत्काल उनको 10,50,000 दिया जाए, उनके परिवार का एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय को धरना स्थल पर बुलाया गया, पुरानी जेल और कचहरी गेट के सामने हम लोग 11 बजे से बैठे थे, लेकिन वो नहीं। और जो न्यायालय का कार्य है, आज तो हम लोग शोक सभा में विरत थे, कल भी विरत रहेंगे। और यह भी हमारा संघ निर्णय ले लिया है कि हम लोग की मांग जब तक से पूरी नहीं होती है, सब तक से हम लोग अनिश्चित काल के लिए क्या मांग न्यायिक कार्य से विरत रहे। क्या मांग की है? मांग किए हैं 10,00,000 रुपया उनके परिवार को दिया जाए और सरकारी एक नौकरी उनके, जो भी आश्रित हो, बच्चे पत्नी को दिया। और यहाँ से जो भी जितने टेम्पो और रिक्शा चल रहे हैं उनका लाइसेंस चेक किया जाए, कोई भी नाबालिग लड़का चला रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। अपराधी हेलमेट लगाकर क्रॉस कर सकता है इस सर को, डिक्की में हथियार रख के क्रॉस कर सकता है इस सर को, लेकिन उसकी डिक्की और उसके शरीर की चेकिंग नहीं होती, हेलमेट देखा जाता है कि नहीं, उस पर भी रोक लगा। हेलमेट अगर किसी कारण से शहर में लोग नहीं लगा रहे हैं, सब्जी वगैरह उन लोगों का फाइन न किया जाए कोई भी व्यक्ति है। दूसरी चीज़ हमारे अमरेंद्र कुमार पांडे अधिवक्ता का जो एक्सीडेंट में निधन हुआ है, उस घटना से हम लोग दुखद हैं। CNG को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो पिकअप या बोलेरो घटना किया उसको भी लोगों का कहना पकड़ लिए लोग। हम लोग जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तो है नहीं, यहाँ DSP है, थाना अध्यक्ष है। हम लोग की मांग है कि मृतक के परिजन को जो सहयोग राशि सरकार से है, अभी अच्छे छोटे छोटे हैं, इमीडिएट यहाँ आधा घंटा के अंदर में जो चेक सौंपना है यहाँ ला के दे दें। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना पर हम लोग बैठे हैं, प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है, हम लोग भी उनको कोऑपरेट करेंगे, किसी भी तरह कोई विवाद नहीं। अभी कौन जगह आप लोग जाम किए? हम लोग कचहरी अनुमंडल गेट के सामने, पुराना जेल परिसर कचहरी के पास, मंटू पांडे अधिवक्ता, पूर्व संयुक्त सचिव जिला। जब तक से मुआवजा नहीं मिलेगा तब जी नहीं, यहाँ जिला पदाधिकारी और CO वगैरह, CEO कहीं बाहर है, जिला पदाधिकारी CEO आए और इमीडिएट यहाँ हम लोग से मिले और बात करके हम लोग फिर रास्ते को हम लोग। जब तक से जिला पदाधिकारी अगर नहीं आते, अगर नहीं आता आते हैं तो हम लोग यहीं खड़े रहेंगे शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक। अभी SP साहब पटना है, जिला पदाधिकारी CEO जो भी है, लिखी है जाए। सबसे बड़ा चीज है हमारे सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार पांडे नियमित वकालत करने आते हैं, किसी जरूरत नहीं कार्य से लिखी है बढ़िया से, किसी कार्य से मोहनिया जा रहे थे, CNG में थे, CNG से एक्सीडेंट हुआ जिसमें 5 लोग घायल हो गए, 5 लोगों को सदर अस्पताल में लाया गया। अमरेंद्र कुमार पांडे जो अधिवक्ता हम लोगों के सिविल कोर्ट के हैं, वह रहने वाले ग्राम कुहनू थाना चांद के हैं और यहीं पर वह जो है कि मकान बनाकर वकालत करते हैं। उनकी अस्पताल में हम लोग बड़ी जो है कि एम्बुलेंस पर बनारस के लिए हम लोग ले जा रहे थे, तब तक वहीं पर डेथ कर गए।
चार लोगों को और रेफर किया गया है, जिनकी स्थिति सूचना मिली है कि जिसमें एक आदमी नाम पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी रास्ते में उनका भी डेथ हो गया है, उस आदमी का नाम पता नहीं है। बहुत ही दुखद घटना है हमारे भगुआ के लिए, ज़िले के लिए। हमारे बड़ा भाई अमरेंद्र कुमार पांडे एक्सीडेंट में डेथ कर गया है, उसके परिवार हैं, बच्चे हैं, हम लोगों के 1500 वकीलों का परिवार है। और जो CNG गाड़ी है, ई रिक्शा है, इन लोगों का स्पीड जो है बहुत काफ़ी है, और बिना 18 बरस से ऊपर के, जो 18 बरस से ऊपर ड्राइवर हैं, जिनका आधार कार्ड, जिनका DL हो, उन्हीं लोगों को गाड़ी चलाने का परमिशन दिया जाए। वहीं लोग गाड़ी चलाएं, 18 साल के अंदर के जो लोग पकड़ाते हैं उनके ऊपर फाइन प्रशासन के द्वारा किया जाए, और वैसे CNG और ई रिक्शा को जो है कि सीज करके थाना में बंद किया जाए। CNG और ई रिक्शा का जो स्पीड है और जहाँ का परमिशन है वहीं पर चलवाया जाए। और मोहनिया टू भगुआ में जो है कि कम से कम प्रत्येक 4-5 किलोमीटर पर ब्रेकर का पार्ट हो और शांतिपूर्वक जो है कि काम हो। और हम लोग प्रशासन को भी कोऑपरेट करेंगे, प्रशासन भी कोऑपरेट करेगा और कर रहा है। हम लोगों की मांग है कि जो अमरेंद्र कुमार पांडे दुर्घटना का एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, इमीडिएट भगुआ के जिला पदाधिकारी CEO SDO जो भी लोग हैं यहाँ आए, जो 4 लाख रुपए का इमीडिएट चेक होता है वो दें, और जो और सहयोग होता है दें, और उसके बाद हम लोग जाम हटा देंगे। हम लोग शांतिपूर्वक जाम कर रहे हैं, किसी प्रशासन वगैरह से कोई हम लोगों का विवाद नहीं है, और प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है, दोनों लोगों के सामंजस्य से यह कार्य हो रहा है। और जो ही जो है कि जो है, और स्पीड जरूरी कम है, एम्बुलेंस वगैरह का स्पीड बहुत कम करना। घटना कहाँ घटी है? बड़ी अभी सदर अस्पताल में है, और हमारा नाम मंटू पांडे, अधिवक्ता श्री कोर्ट भगवान वकाल करते हैं, जिला अधिवक्ता संघ के पुष्पन जी। और जो ही एक्सीडेंट हुआ है जिसमें CNG ऑटो और बोलेरो में टक्कर हो गया, जिसमें 4-5 लोग सवार थे, इसमें एक व्यक्ति की जो हालत काफ़ी गंभीर थी, उसको अस्पताल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, और 2 लोग जो थोड़ा सीरियस घायल है उनको बनारस से रेफर कर दिया गया, बाकी लोग सुरक्षित हैं। और उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, और जो वाहन मालिक है उसका हम लोग पता कर रहे हैं। उसी में एक अधिवक्ता है जिनकी मृत्यु हुई है, उसी विरोध में अधिवक्ता संघ के द्वारा एयरपोर्ट कैंपस के सामने मुख्य पथ पर कुछ जाम किया जा रहा है। हम लोग इनसे अनुरोध कर रहे हैं, जो भी सरकारी जो भी नियम कानून उसके साथ जो भी मुआवजा प्रदान किया जाएगा उनका तत्काल उनको सहायता किया जाएगा, और साथ ही अनुरोध करते हैं आवश्यक जाम न लगाया जाए, जो भी बातें हैं उसको शांतिपूर्वक रखा जाए। एडवोकेट लोग का आरोप है कि DL चेक होता है, मोटरसाइकिल चेक होती है, लेकिन वो नहीं चेक होती है, नहीं चेक होती है। नहीं, हम लोग लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अच्छा, उन लोग का डिमांड है कि नाबालिग भी गाड़ी रिक्शा चलाएं, ऑटो चलाएं, कोई भी नाबालिग हम लोग जो भी चलाते हैं उस पर जो भी फाइन हम लोग तत्काल से फाइन करते हैं उसको जब्त किया जाता है।